हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव और गैजेट 9 के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत। तो आज की इस वीडियो में एक वीडियो गेम का अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेकर आया हूं। वैसे लोग जो 90 के दशक में खूब वीडियो गेम खेलते थे, गेम पार्लर में जाके खेलते थे, उस समय एक बड़े बड़े बॉक्स होते थे, टीवी होती थी, उसमें हम लोग खेला करते थे। लेकिन आज के टाइम में वैसे गेम हमारे LCD LED टीवी में नहीं चलेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी तो बढ़ते रहती है। टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो लोग कुछ भी कर जाते हैं। बस उन लोगों के लिए जो वैसे गेम अब LED में LCD में खेलना चाहते हैं, एक नया लॉन्च हुआ है गेम जो गेम स्टिक के रूप में आती है, वायरलेस ब्लूटूथ रिमोट होती है जिससे भी खेल सकते हैं। ये है वो गेम, छोटी सी बॉक्स है और इसी में आपको सब कुछ मिलेगी, काफी सारे गेम्स मिलेंगे, वायरलेस रिमोट मिलेगी और क्या क्या मिलते हैं जो हम अभी अनबॉक्सिंग में देखेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, उसके बाद इसका कैसे इंस्टॉलेशन होता है वो भी दिखाएंगे और उसके बाद इसका रिव्यू भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है मिनी गेम बॉक्स। बॉक्स तो काफी छोटा है, इसके चारों तरफ कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ आगे में लिखा हुआ है गेम का नाम, जैसे मिनी गेम बॉक्स 8-bit एंटरटेनमेंट सिस्टम लिखा हुआ है और यहाँ पे है क्लासिक गेम TF सपोर्ट, मतलब इसमें एक मेमोरी कार्ड भी डाली हुई रहती है जिसमें गेम इंस्टॉल रहता है, जिसे आप टीवी में खेल सकते हैं, गेम को चेंज भी कर सकते हैं डाउनलोड करके। अब इसे ओपन करते हैं और ये सामने हमें दिख रही है एक गेम स्टिक और ये दो वायरलेस रिमोट। ये है गेम स्टिक, ये है वायरलेस रिमोट और ये दूसरा भी वायरलेस रिमोट है। इसको बटन प्रेस करते हैं अप डाउन, अच्छा है, क्वालिटी अच्छी लग रही है प्रेस करने से। ये रेड बटन भी काफ़ी अच्छी लग रही है, मैंने क्वालिटी ठीक है प्रेस करने से, उसको प्रेस महसूस हो रही है। इसमें AAA का दो बैटरी लगती है जो इसके पीछे साइड में लगेगी यहाँ पे। और ये है माइक्रो USB केबल जो इस गेम स्टिक को पावर देने का काम आता है। और ये है UN मैनुअल जिसमें आपको इसका कैसे सेटअप करना है, कैसे टीवी से कनेक्ट करना दिया हुआ है। अब देखते हैं गेम स्टिक को, ये इसको ढक्कन है, इसे ओपन करते हैं और ये HDMI सपोर्टेड गेम स्टिक है, मतलब आपका टीवी में HDMI है तो इसको आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये ओल्ड टीवी में जो जिसमें HDMI नहीं होती उसमें ये कनेक्ट नहीं होगी। यहाँ पर आप पावर दे सकते हैं इसमें, ये जो माइक्रो USB केबल है उसके द्वारा। और यहाँ पे इसका जो मेमोरी कार्ड है जो शुरू में लिख रहा था वो है 128 MB का है, जिसमें लगभग 620 से ऊपर गेम होती है। इसमें आप गेम चेंज भी कर सकते हैं डाउनलोड करके। चलिए इसको लगा देते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये रिमोट यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है तो फर्स्ट रिमोट रहेगी जिससे ही कंट्रोल होगी आपका गेम, और सेकेंड रिमोट ये सिर्फ सेकेंड प्लेयर का काम करेगी, ये आपको ना कुछ सेलेक्ट करने में या स्टार्ट करने में काम नहीं देगी। अब बारी है इसको टीवी से कनेक्ट करने की। ये तो बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि आजकल का टीवी तो वॉल हैंगिंग रहता है, मतलब ऐसा रहता है कि उसके पीछे कुछ आप लगा नहीं सकते, हाथ डाल नहीं सकते हैं। देखिए, इसी के चलते जो USB वगैरह डालना पड़ता है उसके लिए मैं एक्सटेंशन लगाए हुए हूँ, पर इसमें HDMI लगेगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने एक HDMI का केबल नीचे निकाल के रखा हुआ है, उसको में लगाते हैं। ओ नो, इसमें दो लगेगा नहीं क्योंकि दोनों एक जैसा ही है, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, इसका भी एक उपाय है मेरे पास। देखिए, ये है जो ऐसे ही टाइम पे काम आएगा, आप इसके एक साइड में HDMI केबल डाल दीजिए और एक साइड में ये गेम डाल दीजिए, जो मैंने डाल दी, अभी ये बढ़िया हो गया। इससे क्या हुआ, कभी भी गेम हमको निकाल के रखने में भी आसानी होगी। प्लस एक चीज़ मैंने सुना था कि टीवी के पीछे ये स्टिक रहती है तो रिमोट से सही से कनेक्ट भी नहीं हो पाती है, अभी सामने रहेगी तो सही से कनेक्ट रहेगी। अब इसमें पावर देते हैं, ये जो केबल है इसके पोर्ट में डालते हैं और इस जगह से ये USB है जो आप टीवी में जो USB होगा उसमें भी इसे इंसर्ट करके इसको पावर दे सकते हैं, नहीं तो आपके पास कोई मोबाइल का चार्जर है उससे भी आप इसको पावर दे सकते हैं। मैं इसका इंतजाम करता हूं, फिर मैं दिखाता हूं टीवी में इसका गेम। लेकिन देखिए, उससे भी पहले एक काम है, ये रिमोट में हमें बैटरी डालनी है, AAA दो बैटरी ले लिया हूं। ये इसके पीछे साइड में इसको डाल देते हैं। देखिए, डालते ही इसमें पावर आ गई, मैंने लाइट जलने लग गई, अब ये कनेक्ट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको और टीवी ऑन करते हैं। ये देखिए, टीवी ऑन हो रही है और टीवी ऑन होते ही सीधे ये गेम पोजीशन में चली गई और ये टीवी में अभी हमें गेम का यूजर इंटरफेस दिख रही है जिसमें सभी गेम को कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, जैसे एक्शन गेम, शूट गेम, स्पोर्ट गेम, पजल गेम, रेसिंग गेम, फाइटिंग गेम। तो देखते हैं किसमें कौन कौन से गेम है
तो सबसे पहले एक्शन गेम से ही शुरू करते हैं। ओह, इसमें तो 73 इन वन गेम है, मतलब इसके अंदर काफ़ी गेम है 73। इसमें तो शुरू में ही मोरियो का गेम दिख रहा है, मोरियो काफ़ी प्रसिद्ध था। तो चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं। वाह, बहुत दिन बाद ये गेम खेलने को मिल रहा है, वो भी काफ़ी बड़ी टीवी में। पहले छोटी टीवी में हम खेलते थे इसे, हमें अच्छी तरह याद है। भले ही पहले जैसा खेल नहीं पाएंगे, परंतु खेल के देखते हैं, अच्छी गेम है। चलिए अभी पूरा इसे खेल के नहीं दिखाएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसको बैक करते हैं और मेन मेनू में पहुँचते हैं। ये तो मारियो का लगभग सभी वर्सन दिया हुआ है, टाइम टू टाइम जो भी आया है, और इसमें भी ढेर सारा गेम नीचे दिख रहा है, काफ़ी गेम है। लेकिन अभी बैक होकर दूसरे कैटेगरी में भी देख लेते हैं कौन कौन से गेम है। मेन मेनू में कैसे पहुँचेंगे उसमें भी थोड़ा सा ट्रिक है, जो मैं वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। वाह, इसमें तो कॉन्ट्रा है, काफी तरह का कॉन्ट्रा है। अच्छा, ये पहला चालू करते हैं, लगता है पूरा कॉन्ट्रा का सेट ही दिया हुआ है इसमें। इसमें तो ये 30 लाइफ वाला भी दिया हुआ है। अच्छा, इसमें चालू करते हैं। ये मेरा सेकंड फेवरेट गेम था, कहिए तो सबसे फेवरेट भी कह सकते हैं, काफी खेलते थे। ये सेकंड प्लेयर फर्स्ट प्लेयर दोनों कर सकते हैं, मैंने दो प्लेयर साथ मिलकर भी खेल सकते हैं। चालू हो गया, अभी तो हम अकेले हैं तो सिंगल प्लेयर भी खेलते हैं। वाह, क्या बात है, अच्छा लग रहा है। मैं इसे खूब खेलता था, लेकिन अभी पूरा मैं इसे खेल के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ देखने बाकी है। तो वापस हो जाते हैं मेन मेनू में। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, स्पोर्ट गेम। इसमें 30 in 1 मतलब 30 गेम होगा। पावर सॉकर, सॉकर गोल्ड मेडल चैलेंज, टेनिस, गोल्फ, बेसबॉल। हाँ, बेसबॉल हम खेलते थे, पता नहीं अब कौन कौन से गेम है। चलिए बाहर निकलते हैं। आइए अगला है फाइटिंग गेम, ये भी 30 in 1 है, ये कोई खास नहीं लग रहा। चलते हैं नेक्स्ट, रेसिंग गेम। इसमें लगता है 29 गेम है। इसमें देखते हैं कौन कौन गेम है। वाह, रोड फाइटर, वाह ये तो बहुत प्रसिद्ध गेम था, बहुत ज़्यादा लोग बहुत खेलते थे। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वाह ले लिए। अभी खेलेंगे नहीं, बाइक। एक अच्छा सा गेम है, पजल गेम देखते हैं, एंग्री बर्ड 2 क्या था। हाँ, एक दिन ध्यान रखिएगा, गेम इसमें 375 है, तो आप राइट साइड या लेफ्ट साइड का बटन दबाइएगा ना, तो नेक्स्ट पेज में पहुँचते जाएगा। देख लीजिए कितना गेम है, कौन कौन सा गेम है। अप डाउन करिएगा तो 1-1 करके नीचे होगा। बहुत सारा गेम है। हम ऐसा तो बहुत कम ही गेम चलता था, ऐसा नहीं कि सब गेम बहुत प्रसिद्ध था। हाँ, ये लोड रनर, लोड रनर एक समय बहुत प्रसिद्ध था, इसको खेल के देखते हैं। अरे वाह, याद आ रहा है सब चीज़। हाँ, अच्छा अच्छा गेम है। अच्छा, फिर से इसमें चलते हैं। सुपर मारियो है कि नहीं? हाँ, सुपर मारियो ब्रदर्स 3 चालू करें। ये गेम थोड़ा लेट में आया था, पहले मारियो ही ज़्यादा चल रहा था, पर ये भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो होते रहता है। अब बताते हैं कुछ फंक्शन रिमोट में, जिससे आप कुछ कर सकते हैं। ये देखिए, ये तो समझ ही सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट ये कर सकते हैं। ये रेड का बटन जो है ना, इससे आप मेनू के अंदर जाइएगा और इससे मेनू से बाहर आइएगा। ये जो बटन है सेलेक्ट और स्टार्ट का, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, परंतु अगर कोई गेम खेलते हुए सीधे मेन मेनू में आना है तो ये दोनों को एक साथ प्रेस किए हुए रहिए 1 सेकंड, तो ये आपको सीधे मेन मेनू में पहुंचा देगा। तो बस इतना ही। ओहो, काफी बढ़िया गेम है, पुराना जमाना याद आ गया जब हम खेला करते थे ऐसे गेम, बहुत अच्छा लगा। पहले जो 21 इंची की टीवी होती थी उस पर हम लोग खेला करते थे, अब 40-45 इंची का जो टीवी होती है उस पर हम लोग खेल रहे हैं, वो भी फुल HD क्वालिटी में। अच्छा लगा, आप भी इसको मंगा सकते हैं और गेम खेल सकते हैं। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जहां से आप इसको कोई भी ऑनलाइन साइट पे आप इसको खरीद सकते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट पर भी ये मिलती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये गेम देखकर आपको कैसा याद महसूस हुआ, ये जरूर हमें बताइएगा।
और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी आप कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ऐसा ही नया नया गैजेट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए गैजेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।